मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में 11 नवंबर को प्रस्तावित गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम में सफल आयोजन हेतु जिला कार्यालय सभागार में बैठक ली। उन्होंने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 नवंबर से 12 नवंबर तक राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद हरिद्वार में 11 नवंबर को गंगा दीपोत्सव व भजन संध्या का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि हरिद्वार की गरिमा के अनुरूप भव्य दिव्य एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया करते हुए कहा कि धर्मनगरी के समस्त घाटों को अनुमानित 1,00,000 दीपकों से जगमगाया जाए। मंडलायुक्त ने दीपक तेल तथा बाती की व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने तथा सभी घाटों की सफाई व्यवस्था करने के निर्देश नगर आयुक्त को दिए। उन्होंने भजन संध्या हेतु देश के प्रसिद्ध गायकों को आमंत्रित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिए। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी घाटों के लिए एक एक नोडल अधिकारी तैनात करने तथा नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कम से कम 1 घंटे तक दिए जलने की व्यवस्था की जाए और सभी घाटों पर एक साथ दिए जलाने की व्यवस्था किया जाए। उन्होंने सभी घाटों पर दिए जलाने के लिए साइंटिफिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए।